साउथ अफ्रीका के बहुत से खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए इंडिया रवाना। मैं हूं आपका होस्ट अदनान अब्बास और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी वनडे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी फैसलाकुन वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के बहुत से खिलाड़ी साउथ अफ्रीका टीम को दरमियान में छोड़कर चले गए। साउथ अफ्रीका टीम के बहुत से खिलाड़ी जो कि आईपीएल के लिए मुंतखब हो गए थे, साउथ अफ्रीका टीम को सीरीज़ के अहम दरमियान में छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए इंडिया रवाना हो चुके हैं। इन खिलाड़ियों में साबिक कप्तान क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा, रासे वंडरडसन और लुंगी नगीडी शामिल हैं जो कि आईपीएल खेलने के लिए इंडिया रवाना हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे सकता है, जिससे पाकिस्तान टीम को तीसरा और फैसलाकुन वनडे मैच जीतने में आसानी हो सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में किसी भी टीम की जानिब से दो बार वनडे सीरीज़ में फतह हासिल नहीं हुई। इससे पहले पाकिस्तान 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीता था। अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच जीत जाता है तो ये किसी भी इंटरनेशनल टीम की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में दूसरी बार वनडे सीरीज़ जीतने का बेहतरीन मौका होगा। अभी तक अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी फैसलाकुन वनडे मैच में पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका की निस्बत काफ़ी मजबूत टीम है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में मुख्तलिफ तब्दीलियां की जा सकती हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कामयाबी हासिल करेगी। अगर पाकिस्तान टीम तीसरे वनडे में कामयाबी हासिल करती है तो ये वाहिद टीम होगी जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में दो वनडे सीरीज़ जीतने वाली टीम बन जाएगी। क्या पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।